बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचकर अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, अपने मुख्यमंत्री को बोल देना मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री को बोल देना मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। आप समझ रहे हैं, जिस तरीके का प्रदर्शन, जिस तरीके के रोड़े अटकाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त सड़क के रास्ते बठिंडा से फिरोजपुर जा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इसे बड़ी चूक माना गया और इस बात की तस्दीक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से अपने इस बयान के जरिए कर दी। बठिंडा एयरपोर्ट पर वहां मौजूद अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा लौट पाया। सीएम को बोल देना मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब बठिंडा से सड़क के रास्ते फिरोजपुर की तरफ बढ़ रहा था, उसी दौरान ये प्रदर्शन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक है। हम सीधे लिए चलते हैं आपको, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं और विकास से जानते हैं। विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद ये कहना बठिंडा में मौजूद अधिकारियों से कि मुख्यमंत्री से कह देना मैं जिंदा लौट पाया, क्या मतलब है इसका? देखिए, प्रधानमंत्री जो रूट होता है वो बहुत ही ज्यादा गोपनीय रखा जाता है। उस रूट की जानकारी सिर्फ अधिकारियों को होती है और यहाँ तक कि उस रूट पर तैनात तमाम जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनको भी ये नहीं पता होता है कि कितने बजे के आसपास वहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा। और तरीका ये होता है कि उस रूट पर जब प्रधानमंत्री का किला आगे बढ़ रहा होता है तो आगे तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे स्थानीय थाने की और पायलट गाड़ियां चल रही होती हैं, वो उस रूट को क्लियर करती हुई इंडिकेट करती हैं पीछे प्रधानमंत्री के रूट को कि रास्ता साफ है, तब वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर भारी सुरक्षा में चूक हुई, न केवल उस जो पायलट गाड़ी आगे की थाने वाली गाड़ी थी उसने इस बात सूचना पीछे गाड़ियों को प्रधानमंत्री के काफिले को दी कि रूट क्लियर है, क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारियों को अलाउ भी किया गया करने के पीएम के रूट को बाधित करने की पूरी कोशिश हुई। 20 मिनट इंतजार करने के बाद जब प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा तो उनके मन में बेहद खेद था और क्षोभ था कि अगर एक राज्य में देश का प्रधानमंत्री उसको आने जाने की आजादी नहीं है, वो वहां पर सुरक्षित नहीं है, तो फिर इस प्रदेश में क्या सुरक्षा के हो सकते हैं आम नागरिक के। और इसी खेद और क्षोभ में प्रधानमंत्री ने वहां बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू कह दीजिएगा और मैं वापस बठिंडा जिंदा लौट पाया, इसके लिए उनको धन्यवाद दे दीजिएगा। तो प्रधानमंत्री ने जब ये बात वहां अधिकारियों से कही तो उनके मन में बेहद खेद और क्षोभ था इस बात के लिए कि वो शहीदों की स्मारक भी नहीं जा पाए, प्रदर्शनकारियों को उनकी सुरक्षा ताक पर रखने के लिए वहां पर अनुमति दी गई पूरी सुरक्षा। विकास भदौरिया, खेद, क्षोभ और साथ ही साथ क्या इसको नाराजगी भी माना जाएगा? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये बड़ा चूक सामने आई है, ये बड़ी चूक, तो कुल मिलाकर राज्य सरकार और राज्य सरकार के सरकारी तंत्र से ये नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसे अपने बयान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजहार भी करके गए? ये देखिए, जो हमारे सूत्रों ने शब्दों का इस्तेमाल किया, सर्वोच्च पद की गरिमा और उस दफ्तर की गरिमा के मुताबिक भी शब्दों का इस्तेमाल हम एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए कर रहे हैं, खेद और क्षोभ शब्द का इस्तेमाल किया, नाराजगी है कि नहीं है ये गृह मंत्रालय सीधे जब जवाब तलब करेगा पंजाब सरकार से और पंजाब सरकार की सुरक्षा एजेंसियों से, उसमें स्पष्ट होगा उस बातचीत में और उस रिपोर्ट मांगी गई उसमें साफ हो जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बठिंडा पहुंचे तो उनके मन में बहुत ज्यादा खेद था, क्षोभ था और इस बात को व्यक्त किया उन्होंने वहां पर, और अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे इसके लिए बाकायदा उन्होंने अधिकारियों से इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि आप मुख्यमंत्री से धन्यवाद कह दीजिएगा कि बठिंडा लौट पाया। और एक अगर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बात की गहराई को समझा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनके मन में कितना जबरदस्त रोष रहा होगा। एक प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य में अपनी सुरक्षा और आजादी के आने जाने का अधिकार नहीं रख पा रहा है तो उस राज्य में सुरक्षा के क्या हालात होंगे, इसको समझा जा सकता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।